इज्जत लुटेरा सरपंच पति की अनोखी कहानी। बिहार में एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है। पूरा मामला बिहार के भोजपुर जिले के हरदिया पंचायत की है। यह मामला जिले में काफी सुर्खियों का विषय बना हुआ है। बता दें कि एक सरपंच पति और वीवो स्टार पिंकी कुशवाहा दोनों के बीच इश्क का रंग इतना गहरा चढ़ा कि उन्होंने अलग अलग रहने तक से इनकार कर दिया था, पर जैसे ही सरपंच पति को गोली लगी दोनों में खटपट हो गया और ये प्यार तकरार में बदल गया। अब ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। वहीं जब पीड़ित पिंकी कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरपंच पति दिनेश पांडे ने प्यार के जाल में फंसा कर काफी दिनों तक फिजिकल रिलेशन बनाया और जब मन भर गया तो छोड़ दिया। वहीं सरपंच पति के भाई सोनू पांडे ने कॉल किया और बोला कि घर के लोगों का आदेश है कि अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है और पिंकी कुशवाहा से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वे कॉल रिकॉर्ड करती है। तो सोनू पांडे ने मुझे बोला था कि भाभी एक बात बताऊं वीडियो कॉलिंग करके। मैंने बोला क्या कि पता है आपको यहाँ पे क्या चाल है। मैंने कहा सोनू पांडे कौन सा ऐसा मजबूरी है कि आपका भाई मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? तो कह रहे कि ठीक है हम बता रहे लेकिन आप बताओगे नहीं ना किसी को। मैंने बोला नहीं बताऊँगा कि हमने के घर में ना ये बात हुआ है कि उसके साथ फ़ोन उन पर बात करना स्विच ऑफ कर दो और बंद कर दो कि समाज को लगेगा कि दोनों के कॉन्टेक्ट ख़त्म हो गया, तब वो समाज में खूब अच्छा कहना है मतलब अच्छा आदमी कहलाएंगे और आप यहाँ से जल्दी से चले जाओ यहाँ से बाहर। बाहर भेजने के लिए दोनों भाई के प्लानिंग था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आप सुन लीजिएगा। वही उन्होंने बताया कि पहले भी एक विधवा महिला के साथ काफी दिनों तक फिजिकल रिलेशन रहा है और धोखा दिनेश पांडे दे चुका है। वही धोखा मेरे साथ करना चाहता था लेकिन मैंने इसकी गंदी हरकत का राज खोल कर रख दिया। इज्जत तो मेरा भी गया पर अब मैं किसी हाल में दिनेश पांडे का चेहरा महिलाओं से अच्छाई का मास्क हटाना चाहती हूँ। ऐसा प्यार पैसा या जिस्म कैसा प्यार इनसे जानते हैं? पैसा भी जो सरपंच पति थे इनसे लिए थे, आखिर क्यों इन्होंने पैसा दिया था आइए इनसे जानते हैं। आखिर पैसा आपने क्यों दिया? पैसे ये इसलिए दिए था कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कि वो बच जाए, मतलब ये सबूत है मेरे पास। देखिए एक बार 10,000, एक बार 20,000, एक बार 20,000 और फिर 20,000, 70,000 रुपया हमने दिया था और कैच भी दी थी मैं अलग से निकाल के। कैश कितना दी थी? 20,000 दिया था। 20,000 ऐसे दे और हॉस्पिटल में खाने पीने के लिए भी उनका 5,000 का सामान लेके गए थे क्योंकि अब हमारा देखभाल करते थे ना तो मतलब आँख बंद करके उन पर हम भरोसा कर चुके थे कि मतलब जो भी है मेरा यही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कोई मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे, सोचते तो हम मतलब मैं ऐसे करता ही नहीं है, मैंने ये सब कदम मैं रखते ही नहीं इस पर। और क्योंकि उन्हें इतना भरोसा वो दिलाते थे मुझ पर ना कि मैं तो अभी भी मुझे सोच के महसूस होता है कि वो कैसे धो पलट सकते हैं वो ऐसा इंसान इतना जो मेरे बिना वो खाना नहीं खाते थे। जब वो झूठ बोलेंगे कि मैं खाना नहीं खाया हूँ तेरे बिना, भूखे हूँ प्यासे हूँ, तुम मुझसे बात कर नहीं तो मैं मर जाऊँगा, जानूँ मानूँ। देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका। क्या क्या बोलते थे आपको, किस नाम से बोलते थे? मुझे हमेशा वो सोना बोलते थे और बाबू, सोना और बाबू। हाँ कि आप बात मुझसे नहीं करोगे ना सोना, मोबाइल खोल दो स्विच ऑफ मत करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा आपके बिना, बाबू प्लीज़ मोबाइल खोलो नहीं तो मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मेरा मतलब बर सब मैं बाद में आवाज़ मतलब बोल के भेजते थे तो मैं खोलती थी तो देखती थी तो मुझे दया आ जाता था। और उन्होंने ऐसा फ़ोटो करके भेजते थे मेरे पास, मतलब ऐसा चेहरा बना के व्हाट्सएप पर भेजते थे कि मुझे देख के मुझे उनका दया आ जाता था कि मतलब कैसे मैं उनको मैं चलो कोई बात नहीं मेरी वजह से उनका कुछ हो जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए उनका बर्स उनका नाम भी सेव है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी जान उनका नंबर भी सेव की हूँ, मेरी जान। देखिए वो मैं दिखा रही हूँ, देखिए और ये देखिए पूरा रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजते थे, मैसेज भेजते थे मेरे पे सब कुछ, मतलब उनको ये वाला बहुत मतलब कुछ भेजते थे, मुझे शायरी भेजेंगे ये रिकॉर्डिंग कर करके भेजेंगे। उनकी एक और दिखा रही हूँ, एक और व्हाट्सएप पे रुक जाइए, उनको देखिए कितना मुझे वो दिल वगैरह भेजते थे सब कुछ, मतलब इतना हम मतलब वो प्यार करते थे। देखिए आइए देखिए ये क्या लिखे है,
देखिए ये उन्होंने उधर से आया है सब, देखिए बहुत कुछ है। तो अब क्या कीजिएगा? मैं अब जो मुझसे गलती हुई है, नदानी में हुई है, मैं आंख बंद करके अपना प्यार पर भरोसा किया और प्यार में उन्होंने धोखा दिया। और यहाँ तो अब प्यार के बात आ गई है कि कोई अब एक दूसरे मर्दों पे कोई लेडीज भरोसा ना करे, कोई पर भरोसा करे चाहे ना करे, लेकिन दिनेश पांडे जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा ढूंढने पे। क्योंकि इतना कुछ मैंने उनके ऊपर कुर्बान किया ना, उनका दिल को पता है कि मेरे पे पिंकिया कितना कुर्बान की है और मेरे लिए वो क्या क्या की है। वो लाखों सफाई दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है ना कि मेरे सामने खड़ा होके बात कर सके, आँखों में आँखों मिला के नहीं कर सकते हैं वो, इतना मेरे नज़रों में वो गिर चुके हैं। और जो मेरे साथ हुआ अब किसी और के साथ ना होके, और अब तो मैं इसको महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं जो आपकी जैसे फंस जाती है बलाए फुसलाए में, उनको क्या कहना चाहती? मैं वो महिलाओं को कहती हूँ, वो लड़कियों को कहती हूँ जो लेडी से प्यार के झांसे में फंस जाती है, कि शादीशुदा मर्दों से तो दूरी रहो सबसे पहले। और कोई झांसा दे रहा है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, आपके लिए यो करेंगे, आपके लिए मैं घर बनवाएंगे, आपके लिए नाम पे पैसे जमा करूँगा, आपके लिए मोबाइल लाएंगे, आपके ये झांसे में मत जाओ। क्योंकि कर अब मुझे महसूस हो रहा है देने वाला इंसान वो कभी बोलेगा ही नहीं कि हम तुम्हारे लिए ही करेंगे, वो खुद देगा। जैसे मुझे उनकी जान की फिक्र थी तो मैंने वहाँ पे पैसे दिया, अपन ज़मीन गिरवी रख के उनको मैंने पैसे दिया। ऐसे घटना तो लड़कों के साथ भी होती है, लड़कियाँ भी धोखा दे देती है। हाँ, यही धोखा लड़की देती तो दुनिया में बदनाम होता कि लड़की धोखा, यही धोखा मैं उनके साथ करती तो वो क्या करते। वो तो साफ में उनसे बोलती थी कि मुझे कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो कहते थे कि मैं तेरा मुंह पे तेजाब डाल दूँगा, तेरी खूबसूरती ख़राब कर दूँगा, तेरे को अपने सिवा हम किसी और के साथ नहीं देखना चाहता हूँ। तो अचानक ऐसे क्यों करती? अब मैं क्या करूँ? अब उनसे पूछूँगी, मिलेंगे तो, कि मैं अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी बताओ? मेरे साथ तो धोखा किया ना प्यार के नाम पे, तो मैं उनके साथ अब क्या करूँगी? वो तो मुझे धमकी देते थे कि तेरा मुंह पे तेजाब डाल देंगे, तुझे गोली से मरवा देंगे, धमकी देते थे। अब यहाँ समाज के बात कहाँ आ गई है? अब समाज के बात, जब पूरा समाज हमारे दोनों के बारे में पता है, तो अब वो झूठी कहानी बना रहे कि मुझे समाज माना कर रही है, मेरा माँ बाप माना करे। जब दिन रात मेरे घर में आते थे उस टाइम समाज दुनिया नहीं देखती थी कि यहाँ पर दिनेश पांडे आ रहे, पूरा गांव देखता था। यहाँ पे रहते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, तब जाते थे हॉस्पिटल से आते हुए कि कौन सा चाल चाल दिया उन्होंने कि अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ करना, मेरा समाज माना कर रहा है, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तुझसे दूर रहेंगे। लेकिन एक बात बताया उसका सोनू पांडे ने मुझे, क्योंकि सोनू पांडे की इनको पहले ही समझा दिए थे कि उससे वीडियो कॉल में बात करना, ऑडियो कॉल में बात मत करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग करती है। क्योंकि हम सच में दिनेश पांडे के परिवार के पूरा रिकॉर्डिंग हम इसलिए करती हूँ कि मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि बहुत धोखेबाज परिवार है। जब उन दूसरी को नहीं हुआ, उस बेचारी को सब इस लूट के पैसा खा के गहना गुड़िया रख के मियाँ बीबी दिनेश पांडे और जूली पांडे ये सब हजम कर गए, और जब उनको लात मार सकते हैं तो मेरे साथ भी ऐसे करेंगे, मुझे पता था। लेकिन ये बात सही में हो गया, मुझे लात मार दिया उन्होंने दोनों मियाँ बीबी। तो सोनू पांडे ने मुझे बोला था कि भाभी एक बात बताऊं वीडियो कॉलिंग करके, मैंने बोला क्या कि पता है आपको यहाँ पे क्या चाल है? मैंने कहा सोनू पांडे कौन सा ऐसा मजबूरी है कि आपका भाई मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? तो कह रहे कि ठीक है हम बता रहे, लेकिन आप बताओगे नहीं ना किसी को? मैंने बोला नहीं बताऊँगा कि हमने के घर में ना ये बात हुआ है कि उसके साथ फ़ोन उन पर बात करना स्विच ऑफ कर दो और बंद कर दो कि समाज को लगेगा कि दोनों के कॉन्टेक्ट ख़त्म हो गया, तब वो समाज में खूब अच्छा कहना है, मतलब अच्छा आदमी कहलाएंगे और आप यहाँ से जल्दी से चले जाओ, यहाँ से बाहर बाहर भेजने के लिए दोनों भाई के प्लानिंग था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिएगा, मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, आप चला दीजिए। पहले कहने तो फोन से टिल रहता हूँ 24 घंटा, हमारा का दिमाग ही डिस्टर्ब करिए, 24 घंटा लाइने पर रखिए, बात करिए हमारा से, ब्लूटूथ कहने में रही। सब घर वाले लोग जानते हैं, सब को जानता है, तो जानता तो आप काहे कहते कहा था कि ना दोपहरिया में दिन रात जावत रहन तो ठीक रहे। हाँ वो लोग ना जाना था घर पे,
आदमी नहीं बैठी जात रखने के दो कोई नहीं जानता। अच्छा घर में गया टाइम बेइज्जती करके आई नहीं माई बाबू के सामने सब कुछ तो बोल के आई नहीं तो नहीं क्या पता मम्मी के सामने सब कुछ ना पता नहीं कहते कि हाँ ठीक बा तोरा के ना अब छोड़ी कपार बाहर धा के मम्मी के कसम न खेले रहन मम्मी को ले जान का हमारे अब राव भाई उन रोन जाना कहा तो नहीं करा मर्द ने हमको फोन को ले जीवा का तो का मेहरारू का कसम खाई जात रहे लोग जा खाना बनावा खा खाना बना लो कुछ नहीं कि वाले ले जाते नहाए वाले नेहा लो करवा कर तो कॉल हम ऑफिस पहुंच के 5 मिनट में हमरा के का कॉल करो मुनगरे के कॉल आ के कहि ना हम उनका के कह के हम तारा से बतिया उनकरा से कहि रोरा के तू काहे ऐसे कहले बड़ा उनका से तो बात नहीं करम कहानी है भैया से की ऐसी करे के की गांव का फोन बंद रहा था बात नहीं कर तो तिलके में रहे के बारात में रहे आज बंद कर देले घर से कहीं जात नहीं से घरे पर द्वार पर तो रोवा तो बात करी कहीं की का चाह तर बता दो क्लियर कर दो ओकरा से तो क्लियर कहे तरन तारा के तो क्लियर कर ऐसे कैसे क्लियर हो जाई हमरो से तो ये मत या कहे हम तो रोवा नहीं की कह सकत की का है इतना दिन तक ओकरा के रखल यूज कर अब ओकरा कैसे छोड़ देबा ऐसे ऐसे तो मर्दों के मन भर जाई ओकर मेरा के फिर मन भर जाई फिर एगो दूसरा पटवा के दी ओकर औरत दूसरा पटवा के दी हमारे इधर का औरत भी नहीं काम कोई यानी कि दिमाग नहीं के सारा बात है लेकिन काम ना उनका सरवा हां बतिया हम फोन लगी था हम बतिया का कहा काम को हाथ रहे से इस तरह से रवा बीच में ना नवाई हम बीच में आए हम किनारे पर आए मतलब रवा बीच में ना नवाई मीन करा फिर सपोर्ट ना नु कर महायो फलाना ठिकाना हम बीच में ना आए हम किनारे से आए किनारे से है मजाक मत करी सोनू देखी कोई के जिंदगी के सवाल बैठे रो सब पता बगे हमार भाई कितना छुछुंदर बैठे को गो के रो सामने नु को गो के यूज कइलानी तो हम कहे के हां तू मार जा हमरा कारण हम फसी कहा के का पतिया व कहा के का हम मर गो और जार का मारत रहा अब हम एगो गोली लगला के बहाना हो गेल बजन्नी माना उकास हो रहा है गोली मारो तो मारो ना बल डॉक्टर झूठो के माना कर ले भाई बोले के आ हो जा 50 हां फोन ना उठाए आ हो जा 50 गोलोगवा से बतिया उतरन तो नहीं खे तरह धोखाते हैं 50 गो आदमी से बतियावा तरह घर में सुता तरह तो नहीं के ठीक बना बतियावा तो कॉल पर पहले रखत रह ऐसे रखबन हमरा के हां फोन पे होल्ड पे रहा का होल्ड पे नहीं हां होल्ड पे पहले रखत रहन हमरा के उ ठीक बा आयो अबे कहा मैं के होल्ड पे पानी अब हूं हम नहीं खन रखत नहीं खन रखत क्या कर रहा कर दलन हां आ कहा कि ना हमरा के होल्ड पर रख कहां से कहे नहीं खन रखत महिला थाना में जाके हम कंप्लेन कर देने चिंता काहे कइले बारन महिला थाना के पूरा बीरा चीप उप सब दे दे हम के लीजिए इसमें सारा सबूत है देख लीजिए झूठ बोल रहे हो तो जाके हमरा गांव में इंक्वायरी करिए नहीं के विश्वास था नहीं के विश्वास था हम के जाके गांव में इंक्वायरी करो हमारा उनका क्या रिलेशन है कहरा अच्छी 50 से 60 हो गए ब्याह तेरा बहुत तेरा चलता है क्या ए सुनो हाँ जी हेलो कौन है कि रौरा से पूछ पाछे तो रौरा का पलट जाए हम घाम नहीं की जाना थे हमारे तो हम का अच्छा स्वास्थ्य में बताओ हम जानते नहीं कुछ वो ना का जानते नहीं सब ना ना तू बोलत रहो ना जब तक बोलत रहो तो हमारा का कुछ होगा ये पता चला लो हां अब पता चला लो अब पता सब कुछ बाकी हां अपना फोटो तो देखा था आदमी तो पता था बलाइन बा तब इतना कुछ को के कैसे छोड़ दिया आसानी से हो चाहत न कि हमारे खुलाब कुछ हो भी ना करी सरपंच है मंत्री या विधायक के हो जाता टेती तो सरपंच ही हवन सरपंच हो तो कोई के लाइफ खराब करके छोड़ दिया का
हाँ गूगल लाइव पे देखो खराब कर देखो जी। रोहू इंसान है सोनू, रोहू हमारे बारे में सोची थोड़ा सा भी कि बताए उनका जो हम कितना कुछ खोले बानी, सब कुछ हमारी इज्जत पर चीजा मान सम्मान सब खो गनी, यहाँ तक हमारा पति तक भी खो देनी हम उनका चक्कर में है। पुलिस स्टेशन में रोवा से बात हुई तो रोवा क्या कहो, हम सच बताएं रोवा से बात करिए सब पुलिस वाला के तुम जानते थे तो तुम क्या बोलोगे। सर सर हाँ पूरा हरा दिन जाने लगा था, हम कहने की जाना था पूरा हाँ ठीक है नहीं हरा दिन जाना था, ये तो हम नहीं जाना था पहचाने ठीक है नहीं, के तक ही नहीं जाना था। हाँ तार खादा पर घर हाई पहलू खाओ बालू मतलब रिलेशन उनका साथ का रिलेशन नहीं है करके रिलेशन के बारे में हम देखा ले थोड़ी वाली तो रिलेशन मतलब केकरा पता नहीं है रिलेशन डिपार्टमेंट तो पता है आप चल गए नु फोटो से करेंगे बाद ऐसे रोज घरा में आओ तन जात रहन त ना लोग कहता लेकिन भाई के प्लानिंग तक यहाँ से जल्दी जा। मैं बोली कि जब तक मैं ये स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं लूंगी और जब तक मुझसे शादी नहीं करोगे जब तक मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे 3-4 बार से ये मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि अब की बार करेंगे, अब की बार तो इन्होंने ऐसा चाल ही चल दिया कि अब क्या करें, गोली मरना पलट जाना और ये पैसे की झूठ बोला कि डॉक्टर 3 लाख रुपया मांग रहा है, ऐसा क्या है ये सब धोखाधड़ी तो है। ये प्यार उनका कहाँ है, प्यार तो हम में है कि जब हमें पता चला तो 90 पति मैं दौड़ के पेट्रोल पंप गई, वहाँ रोई चिल्लाई, वहाँ से गाड़ी में बैठ के मुखिया जी के वहाँ पे गई, वहाँ रात भर मैं उनका पूरा जितना लोग हॉस्पिटल में थे रात भर में ऐसे पलक भी नहीं झलकाई, रात भर बैठ के वहाँ पे सेवा करी इनका। फिर जिस दिन शाम को जाती थी, शाम को 5 बजे सुबह 8 बजे आती थी, पूरी रात इनको सेवा करती थी, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं सोती नहीं थी, पूरी रात जगी रहती थी, इनकी पैर दबाती थी, वो था मेरा प्यार था। इनके पास प्यार कहाँ है। गोली कांड भी हुआ हुआ था इनके साथ, उसमें क्या था। उसमें क्या था कि इन्होंने पहले ही से इनको मतलब मुझसे बोलते थे कि पिंकी ना मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, इन्होंने लेटर काफ़ी मतलब पहले से लिख चुके हैं एसपी के और डीएम के और जनता दरबार में भेजे हैं, इन्होंने लेटर लिख लिख के इन्होंने खुद अपना उसमें बताए हैं रिपोर्ट मतलब जो मीडिया में आए हैं उसमें बताए हम काफ़ी दिन से मतलब हमारे ऊपर जान के हमला था, उनको पता था, अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझसे कहते थे कि मैं बॉडीगार्ड के लिए काम करूँगा तब मिलेगा। मैंने बोला क्या करोगे, तो ना हम कहीं साड़ी कहीं जाऊँगा और गोली मरवा लूँगा और उसके बाद मैं बॉडीगार्ड दो मिल जाएगा। तो मैंने बोला पागल हो क्या, ऐसे काम मत करना, मैं बोलती थी ऐसे काम मत करना, और ना तो जब भीड़ी से गोली मारा लगा और किसी ने मारा तो वहाँ से भागा, वहाँ पे जहाँ पे गोली लगा है वहाँ पे पूरा घर है आस पड़ोस में और लाइट भी जल रहा है, वो कहाँ भागा किधर भागा। जब ये चिल्लाए कि दौड़ो मुझे गोली लग गया तो ये भी तो बोल सकते थे कि दौड़ो गोली मार के इधर भाग गया है जल्दी पकड़ो, तो पकड़ते ना कि दो लड़के थे गोली पकड़ो, तो ये क्यों नहीं बोले वहाँ पे, नाम ना उन्होंने नाम बताए ना कुछ बताए। तो अब तो झूठ मूठ के मुझ पे इंजाम लगाएंगे कि पिंकिया ने मरवा दी, अब तो मुझ पे इंजाम लगा रहे हैं वो, लोगों लोगों से कह रहे हैं कि मुझे गोली उसने मरवाई। अरे मैं गोली मरवाऊंगी आपको, तो मैं रोते जाती, मैं वहाँ पे मोबाइल में मैं अब एक भी सबूत नहीं उनकी हमारी फ़ोटो डिलीट करी ना उनका रिकॉर्डिंग डिलीट करी हूँ, क्यों हम ऐसे करेंगे, क्योंकि हमें तो अंधा प्यार करती थी, मेरा तो लिए तो सब कुछ वही थे ना, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा सब कुछ, मेरा बेटा तक भी उनको पापा बोलता है, बहुत इज्जत करता है, उनको बहुत मानता है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा घर जीवन है, मेरा पति पत्नी के रिश्ता से भी गहरा रिश्ता था हमारा दोनों, एक दूसरे से हम बात शेयर करते थे, एक दूसरे से हम मतलब बहुत करते थे, लेकिन ये सब मुझे खोल के बताया, मतलब मैं बताई इसलिए कि अभी किसी और के साथ ऐसा ना करे। अब मतलब जो मेरा घटना हुआ ये देख के काफी लेडीजों के आँख खुल जाना चाहिए कि किसी पर विश्वास और भरोसा ना करे। अब देखने वाली बात होगी कि कब हरदिया पंचायत के सरपंच पति दिनेश पांडे अपनी प्रतिक्रिया भोजपुर न्यूज को देते हैं और जो राज छिपा हुआ है वे राज सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी के पानी देखने को मिलता है या फिर जिले वासियों को कुछ और ही देखने को मिलेगा। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।
खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए, और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।